नमस्कार आदाब, न्यूज़ क्लिक में आपका स्वागत है। अभी हम मौजूद हैं जंतर मंतर पे, जहां देश भर की तमाम वामपंथी पार्टियों ने संयुक्त रूप से एक प्रदर्शन का आह्वान किया है, जिसमें जिस देश भर में चल रहे बुलडोजर जिसे एक विशेष समुदाय के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इनके नेताओं का क्या है कहना और इस आंदोलन, इस प्रदर्शन के माध्यम से वो क्या सरकारों से मांग करना चाहते हैं, इनसे बात करके समझने की कोशिश करते हैं। ये प्रोग्राम एक तरीके से बीजेपी और RSS के द्वारा जिस तरीके से एक बुलडोजर की राजनीति चल रही है, जो अतिक्रमण हटाने के नाम पे हमारा मानना है कि खास तौर पे मुस्लिम समुदाय को टारगेट करते हुए एक सांप्रदायिक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, उसके खिलाफ दिल्ली की वामपंथी पार्टियों का एक संयुक्त ये धरना है। हम लोग लगातार दिल्ली की वामपंथी पार्टियां, आपने 16 अप्रैल को जहांगीरपुरी में घटना हुई, उस घटना के बाद से ही सारी वामपंथी पार्टियाँ एकजुट होकर के हम लोगों ने फैक्ट फाइंडिंग वहाँ पर जाके किया, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट हम लोगों ने जारी की वहाँ पर। उसके बाद जब बुलडोजर से सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बावजूद वहाँ पर बुलडोजर चलाया जा रहा था, तमाम वाम लेफ्ट के लीडर्स वहाँ जा करके हम लोगों ने बुलडोजर को रोका। और उसी क्रम में हम लोग इस मांग के साथ कि अभी ये सुनने में आया जो कि जहांगीरपुरी के बाद दिल्ली के अन्य इलाकों में भी ये ऐसे ही सेलेक्टिव तरीके से इंक्रोचमेंट हटाने के नाम पर अभियान चलाने जा रहे हैं, तो ये मैसेज देने के लिए कि दिल्ली के लोग इसको स्वीकार नहीं करेंगे, ये सेलेक्टिव होकर के जो है वो बुलडोजर चलाने की राजनीति को, और इस मांग के साथ हम लोग आज यहाँ पर धरना दे रहे हैं और हम ये संदेश देना चाहते हैं कि इस राजनीति को बंद किया जाए तुरंत। देखिए, ये सरकार डर चुकी है, बहुत घबराई हुई है, सरकार के पैर उखड़े हुए हैं। सवाल ये नहीं है कि उन्होंने कैसे यूपी और उत्तराखंड जीत लिया, पर सरकार डरी हुई है क्योंकि इनसे अर्थतंत्र नहीं संभल रहा, बेरोजगारी का हल नहीं निकाल पा रहे, महंगाई सातवें आसमान को छू रही है, और इनको सर्टिफिकेट यूरोपियन यूनियन से लेना पड़ता है कि हिंदुस्तान में बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, क्योंकि डेमोक्रेसी का हनन हो रहा है। तो इस सारी सिचुएशन में ये डरी हुई सरकार डर और खौफ के रास्ते पे ही लगातार चलती आई है, और उस डर और खौफ को बढ़ाने के लिए अब बुलडोज़र का सहारा लिया जा रहा है, ताकि बुलडोज़र की इस सियासत से जो यूपी से इन्होंने शुरू की है, मध्य प्रदेश में आगे बढ़ाई है, अब दिल्ली में लेके आए हैं, इसके ज़रिए से ये लोगों को डरा सकें, धमका सकें, और लोगों के बीच में और भी ज़्यादा जो पोलराइजेशन है, जो डिवीज़न है खतरनाक, उसको पैदा कर सकें। अकेलियों को भी, अकेलियों को भी समझना होगा, मेजॉरिटी को भी समझना होगा कि देश हमारे लोग गए हैं वहाँ जहांगीरपुरी, मैं भी गई हूँ, और स्थिति यह है कि एक तो डर बहुत ज़्यादा है, और मतलब समझ में नहीं आया, एक ट्रॉमा भी है कि ये क्या हो रहा है, मतलब हिंदुस्तान ऐसा हो गया है, एक ये शॉक भी है लोगों में। और दूसरा ये है कि जिस तरह लोगों की जो रोज़गार है, लाइवलीहुड है, उसके ऊपर असर पड़ा है, और ये सिर्फ मुसलमान नहीं है, वहाँ मस्जिद के आसपास जो डिमोलिशन हुआ उसमें नॉन मुस्लिम्स भी थे, ज़्यादा मुस्लिम्स थे ठीक है, लेकिन सबके ऊपर असर पड़ा है। कोई छोटा सा एक छज्जा आगे निकाल के काम कर रहे हैं, उस तरीके का था, ऐसा कोई बड़ी बिल्डिंग्स नहीं थी, बड़ी बिल्डिंग्स को तो डिमोलिश करने का और उन पर अतिक्रमण का इल्ज़ाम लगाने की ना पुलिस में हिम्मत है, ना MCD में हिम्मत है, गरीबों के ऊपर ही अपना सारा गुस्सा निकालते हैं। 75 साल से जब से देश आज़ाद हुई, उससे भी कई अरसों पहले से रामनवमी भी मनाई जाती थी, ईद भी मनाए जाते थे, लेकिन इस तरह का हिंसा और नफरत और खून खराबा कभी देखा नहीं। ये नियोजित तरीके से इसको करवाया जा रहा है, और इसके पीछे पूरा का पूरा संरक्षण है हमारे शासक पार्टी का और हमारे देश के सरकार का। आज तो करीब करीब पूरा हिंदुस्तान ये बुलडोजर की जो राजनीति है उससे त्रस्त है, और वही बुलडोजर की राजनीति हमने अपने इलाके में भी देखा, जहांगीरपुरी में देखा, उस आज भी आप देखेंगे कि जिस इलाके में उन्होंने बुलडोजर चलाया था वो इलाका आज भी बंद है, और वही नहीं बंद है बल्कि वहाँ पर जो सैकड़ों रेड़ियाँ पटरियाँ लगती थी जिनमें सब्जियाँ, फल, मछली और ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का एक पूरा हब है जहांगीरपुरी का वो इलाका, आज उनके जीवन यापन पर संकट है। देखिए, एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव कोई नई बात नहीं है, दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट के मुताबिक नोटिस देना पड़ता है,
और जिनको नोटिस दिया है उनको अधिकार दिया जाता है कि वो उसका जवाब दे, वो कोर्ट में भी जा सकते हैं। लेकिन आज तमाम कानूनों का धज्य उड़ाकर आदेश गुप्ता के आदेश पर अगर बुलडोज़र चलेगा तो नेचुरली ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि ये एंटी इनक्रोचमेंट नहीं है, ये गरीबों के खिलाफ एक मुहिम है, ये हिंदुत्व के नाम की विचारधारा और राजनीतिक रणनीति का एक हथियार है। भगवा चोला ओढ़ के जब तुम तिरंगे में साहस के प्रतीक भगवे रंग को बदनाम करते हो, अच्छे नहीं लगते हो। हिंदुओं के त्योहारों में जब तुम मस्जिदों के सामने जाके चीखते चिल्लाते हो, अच्छे नहीं लगते हो। संतों की वाणी के विपरीत जब तुम अपने लबों से जहर के बोल घोलते हो, अच्छे नहीं लगते हो। दूसरों की बोली और दूसरों के खाने से जब तुम घृणा करते हो, अच्छे नहीं लगते हो। कन्या पूजन जिस धर्म की है प्रथा उसी धर्म के नाम पर जब तुम मुस्लिम महिलाओं के बलात्कार करने का नारा देते हो, अच्छे नहीं लगते हो। मुझे अच्छे ना लगो चल जाएगा पर एक दिन वो भी आएगा जब तुम्हें सुनना होगा अपने बच्चों, पोते और पोतियों से कि अब तुम बुरे लगते हो।